उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया रोग ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश भर में कुल 51 जिलों में फाइलेरिया के मरीज पाए गए हैं, जिससे बलिया भी अछूता नहीं रहा। अभी तक बलिया जनपद के कई हिस्सों में फाइलेरिया के मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बलिया जनपद में अब तक कुल मिलाकर फाइलेरिया के 1699 केस रिपोर्ट किए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं फाइलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य महकमा अपनी पूरी तैयारी के साथ रोग की रोकथाम के उपायों में लगा हुआ है। संचारी रोग के नोडल डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जिले में फाइलेरिया से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लोगों को जिनकी आयु 1 वर्ष से अधिक है अल्बेंडाजोल और जिनकी आयु 5 वर्ष से अधिक है इनको अल्बेंडाजोल के साथ डीसी की गोलियां अपने सामने ही खिलाई जाएगी, जिनको रोल प्ले के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया से प्रभावित मरीजों को बाल्टी मग और दवाएं दी जाती है, जिससे वो दिन में 2 से 3 बार अपने प्रभावित अंग की साफ सफाई कर सकें। उन्होंने बताया कि हाइड्रोसिल के प्रभावित मरीजों का समय समय पर कैंप लगाकर ऑपरेशन भी किया जा रहा है। डॉक्टर अभिषेक ने जनपद वासियों से टीमों को उनके घर जाने पर उनके सामने ही दवाएं खाकर स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने की अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। मैं जनपद बलिया में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए नोडल अधिकारी हूं। आप सभी को अवगत करवाना है कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों में से 51 जनपद ऐसे हैं जो कि फाइलेरिया से प्रभावित हैं। उन 51 जनपदों में से हमारा बलिया जनपद भी एक है, और जनपद में फाइलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए दिनांक 10 से 27 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाना है, जिसमें कि हमारी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और जो स्वयंसेवक हैं वो घर घर जाके जनपद के सभी वासियों को एल्बेंडाजोल और डीसी की गोली खिलाएंगे। इस अभियान में 1 साल से अधिक आयु वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं वो प्रतिभाग करेंगे। 1 साल से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को सिर्फ एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी, और हमारे जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे होंगे उनको डीसी एल्बेंडाजोल इनकी दवाएं खिलाई जाएंगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि जनपद के जितने भी हमारे निवासी हैं उनको हम फाइलेरिया रोग से बचा सकें। फाइलेरिया एक मच्छर जनित रोग होता है जो कि क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। अगर मच्छरों से समुचित रूप से बचाव किया जा सके और व्यक्ति अगर समय से अपना इलाज न करवाए तो फाइलेरिया से प्रभावित हो सकता है। इसके बचाव के 2 मुख्य घटक होते हैं, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट और केस रिडक्शन, जिसके अंतर्गत जो भी फाइलेरिया से प्रभावित व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से वे फाइलेरिया ग्रसित अंग का देखभाल करें, किस तरीके से उसकी साफ सफाई करें, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और संसाधन दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत फाइलेरिया के जितने मरीज होते हैं उनको हम एक बाल्टी मग दवाएँ आदि देते हैं, जिससे कि वो दिन में 2 से 3 बार अपने प्रभावित अंग की साफ सफाई कर सकें। और इसके अलावा हम जो हमारे हाइड्रोसिल के प्रभावित मरीज होते हैं उनका समय समय पर कैंप लगा के ऑपरेशन किया जाता है। तो इस अभियान के दौरान मेरे सभी से अपील है कि जब हमारी जो टीमें हैं वो घरों पर जाएं तो सभी उनके सामने ही एल्बेंडाजोल और डीसी की गोली अवश्य खाएं। एक बार अगर आप इस गोली को खाते हैं तो साल भर तक फाइलेरिया होने से आप स्वयं को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। धन्यवाद। सर, प्रदेश में कुल कितने जनपदों में बीमारी फैली हुई है इस समय? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया 75 जनपदों में से 51 जनपद ऐसे हैं जो कि फाइलेरिया से प्रभावित हैं, जहां पर कि फाइलेरिया एंडेमिक है, उनमें से बलिया जनपद एक है। यूपी 60 न्यूज़ के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।